अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं क्या होता, दोस्त के साथ, दोस्त ने एक घर परचेज़ किया और वहाँ पे काम चल रहा था, तो मुझे दोस्त ने बोला यार वहाँ चलते हैं, वहाँ पे देख लो, उसको थोड़ा सा कुछ काम करवाना था। तो मैंने बोला यार चलो चलते हैं। गर्मी बहुत थी, हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के मुझे ये पता चला कि सारे घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरी सोसाइटी एम्प्टी लगी हुई है। उसका घर बन रहा है। बिल्डर ने एक टाइम दिया है कि जो उनके अंडर काम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो फैमिली शिफ्ट हो सकती है। बहुत बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, 100-150 घर हैं यहाँ पे। अच्छी खूबसूरत सोसाइटी बनाई हुई है और हम तो जो घर खुला हुआ है वहाँ पर जा रहे हैं अंदर, कि सब घर ही ओपन है, सब घर पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और देख रहे हैं भाई क्या चेंजेस हैं। सारे घर एक ही तरह बने हुए हैं, सिवाय कुछ आगे वाले घर हम जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। मजा है, एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है पूरा जो है टूर ले रहे हैं फलकनाथ सोसाइटी का, मेरा हाल से ऐसे कुछ नाम है। तो दोस्त शिफ्ट हुआ है और दोस्त के घर में बहुत सारा काम है अभी, येट बिल्डर अभी काम कर रहा है और बहुत सारे काम करने चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, इंडोर है ना यार, मतलब अब हम जो है लोगों के घरों में घूम रहे हैं और लोगों के घरों में देख रहे हैं। जब लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोगों को बोलेंगे यार हम आपके घर में आए हैं, आपके आने से पहले हम जाते हैं। बस व्यू चेक करो दुबई से स्विट्जरलैंड का, वाओ। वहां से निकले हम लोग और फिर हम खाना खाने चले गए, खाना नहीं खाया था, बिरयानी खाने बैठे। बिरयानी की सबसे मजेदार बात ये थी कि वो सिर्फ 60 रुपए की थी और मैंने वहां पे बैठ के यही कहा कि भाई 60 रुपए की बिरयानी और प्रॉपर टेस्टी, ऐसे नहीं कि टेस्ट के बगैर, प्रॉपर टेस्टी। और फर्नीचर, फर्नीचर बाय किया? जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो फर्नीचर की बात कर रहा था वो भी बाय कर लिया हमने। तो भाई अभी जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, 12 से 14 घंटे लाइट जा ही जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे मसले चल रहे हैं। होप करता हूँ ये थोड़ा सा मसला ये सेट हो जाए हमारे कराची में, तो ज़िंदगी थोड़ा आराम से गुजरने लगेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ ही दिनों के बाद तकरीबन एक महीने में रमज़ान भी आ जाएंगे। अगर यही सिलसिला रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।